यार भाई सारी बाइक E20 में आते जा रही है। अब तो भाई NS125 भी आ गई, पल्सर N160 भी आ गई, पल्सर 125 भी आ गई। यार RS के साथ क्या होने वाला है? ना तो ये अपडेट हुई है अब तक और ना तो ये E20 फ्यूल के साथ में आई है। तो भाई ये अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लगा है कि RS 18 नया मॉडल आएगा सच में या फिर अपडेट होके आएगा। ऐसा तो हो रहा ही हो रहा है भाई, क्यों नहीं होगा, सबको होगा, ऑब्वियसली बात है यार होगा ही होगा। तो दोस्तों आज की शुरू में बात करने वाले नेक्स्ट जनरेशन RS 200 के बारे में, जिसका दोस्तों इंडियन मार्केट में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग RS के बारे में। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सकें ना आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं RS 200 के अपडेट्स के बारे में। कंपनी इसमें क्या क्या नए अपडेट ला सकती है, क्या क्या अपडेट होने के चांसेस है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों RS 200 में जो चेंजेस होने वाले हैं वो काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। बाइक में कंपनी में चेंजेस तो होंगे, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि कब तक चेंज होंगे ये बड़ी बात है। ऑब्वियसली बात है भाई, कब तक चेंज होंगे ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों बात करें चेंजेस के बारे में, देखिए RS 200 में सबसे पहला चेंज होने वाला है दोस्तों इस बाइक की लाइटिंग्स में। अब आपको बताया कि RS 200 में अभी तक फिलहाल आप लोगों को फ्रंट में जो हेलोजन प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलती थी वो काफ़ी बड़ा अब माइनस पॉइंट हो चुका है इस बाइक के लिए। भाई ऑब्वियसली बात है कंपनी को अब इसमें भाई LED प्रोजेक्टर लाइट में काम करना चाहिए। तो आपको मैं बताना चाहूँगा ऐसा ज़रूर होगा, बाइक में आपको 110% LED जो प्रोजेक्टर लाइट है वो आपको बाइक में देखने को मिलेगी, जो कि बाइक का पहला अपडेट होने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक के स्पीडोमीटर में। कंपनी स्पीडोमीटर में अपडेट करेगी दोस्तों, और आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें मेरे हिसाब से हो सकता है कि आप लोगों को नया वाला जो गियर इंडिकेटर NS 200 में ऐड की है वो सेम इसमें ऐड कर सकती है। पूरा स्पीडोमीटर चेंज नहीं होगा, एवरेज फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर और गियर इंडिकेटर कंपनी ऐड करके इस बाइक को मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट में रिलॉन्च करेगी। बात करें नंबर 3 अपडेट के बारे में दोस्तों, तो इस बाइक के इंजन में। अब इंजन में देखिए ऐसा पूरा इंजन चेंज नहीं होगा, इंजन में सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हो सकती है दोस्तों, और वो है इस बाइक में स्लीपर क्लच। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगा RS 200 में फिलहाल अभी तक आप लोगों को जो स्लीपर क्लच है वो आपको देखने को नहीं मिलता। अब फाइनली आपको नए वाले अपडेट में जो है इस बाइक में स्लीपर क्लच 110% देखने को मिलेगा। तो ये भी एक जो अपडेट है कंपनी इस बाइक में करने वाली है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के एक और नए अपडेट के बारे में, तो होने वाला है इस बाइक के सस्पेंशन में। आपको बताना चाहूँगा अभी तक आपको बाइक में जो सस्पेंशन देखने को मिलते हैं वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, बट यार ऑब्वियसली बात है अब वो टाइम चला गया, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन वाला टाइम पूरी तरीके से चला गया है। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों अब आपको फाइनली RS 200 में USD यानी कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलेंगे, और वही सस्पेंशन हो सकते हैं जो कि लास्ट टाइम NS में यूज़ किए गए, सेम वही सस्पेंशन आपको बाइक में मिल सकते हैं। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो होने वाले इस बाइक की ब्रेकिंग प्लेट्स में। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों RS जो है लगभग अपनी सभी बाइक में अभी ब्रेकिंग प्लेट चेंज कर रही है। तो आपको बताना चाहूंगा अभी आप लोगों को बाइक में जो प्लेट देखने को मिलती है वो भी 300mm की ही है, और नई वाली प्लेट भी 300mm की ही मिलेगी। बट आपको बता दूं जो नई वाली जो प्लेट है वो जो KTM में ये लोग यूज करते हैं ना, वो सेम प्लेट जो है कंपनी यहाँ पे यूज करने वाली है। तो ये भी एक जो अपडेट है वो आपको RS 200 में देखने को मिलेगा, और आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो अपडेट है बाइक का काफी अच्छा अपडेट आपको मिलेगा, जिससे ब्रेकिंग इंप्रूवमेंट भी आने वाला है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों बाइक के ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन में। अब ऑब्वियसली बात है कंपनी इस बाइक का ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन चेंज करेगी, जैसे कि इन्होंने NS का चेंज कर दिया तो 110% ये लोग RS का भी ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन जरूर चेंज करेंगे। अब वो आने के बाद ही पता चलेगा कि ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन कैसा होने वाला है, बट मुझे उम्मीद है कि कंपनी इस बार इस बाइक में जो ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन देगी वो बहुत ही बेहतरीन देने वाली है। और दोस्तों RS है भाई, बजाज वाले जो RS में इस तरह की इस बार अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि ये लोगों को R15 को टक्कर देना है। तो बाइक का जो ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के एक और नेक्स्ट अपडेट के बारे में दोस्तों, तो वो है मेरे हिसाब से इस बाइक में अब दोस्तों फाइनली ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको देखने को मिल सकती है। जी हाँ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी बहुत दिनों से वेट है इस बाइक में, तो आपको जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो भी आपको RS 200 में देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक जो अपडेट है दोस्तों आपको बाइक में मिल सकता है, जो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। साथ में आपको बाइक में OBD2 सेंसर भी देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली बात है OBD2 सेंसर के लिए तो अपडेट हो रही है, तो वो चीज भी आपको बाइक में मिल सकती है। ये सारे अपडेट अब दोस्तों आपको RS 200 में देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों बात कर ले लॉन्च डेट के बारे में, कब तक लॉन्च हो सकती है, तो दोस्तों मतलब बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनी का कहना है कि ये बाइक 3 से 4 महीने के अंदर आपको मिल जाएगी। मेरे को लगता है 2 महीने के अंदर आपको ये बाइक मिल सकती है। बाकी कौन कौन नई वाली RS का वेट कर रहा है भाई, कमेंट करके
जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम। फ्यूजन।